नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हम लोग अपनी एजुकेशनल करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, उसी में आज जो अपन नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, तो स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 के बारे में हम लोग जानेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एजुकेशनल करंट अफेयर मतलब बच्चों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि आपका DSSSB का एग्जाम है और मेनली जैसे EMRS का एग्जाम है जो रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सारी चीजें पता हो, ठीक है। और जैसे कि आप EMRS के जो हॉस्टल बोर्डर की क्लास अगर आपने पहले की होगी तो वहां पे सिलेबस में अलग से भी दिया है कि चाइल्ड राइट्स आपको पता होने चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक। हॉस्टल बोर्डर पोस्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हॉस्टल बोर्डर जो है बच्चों के साथ 24 आवर रहती या रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 2021 की गाइडलाइंस है, इनको अभी हाल फिलहाल में भी इस पे थोड़ा सा जोर दिया गया था, उसको भी जानेंगे क्या कारण रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा दिशा निर्देश जो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र में एक अभी घटना हुई थी, बादलपुर, महाराष्ट्र के बादलपुर में दो स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बाद स्कूल सुरक्षा और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसपे एकदम से जोर दिया गया है, को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में एक घटना ऐसी हुई है स्कूली बच्चों के साथ में, उसके बाद इसको और गंभीरता से लेने की बात की गई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो आपका NCPCR है, NCPCR के बारे में लोगों को नहीं पता है तो इसकी क्लासेस अलग से पड़ी हैं, ठीक है। तो वहां पे उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो NCPCR होता है बच्चों के जो राइट्स हैं उनके लिए, जैसे उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात आती है, तो NCPCR उस पर काम करता है, ठीक है। NCPCR आपको होता है, SCPCR होता है, NCPCR मतलब नेशनल लेवल का ये है और SCPCR आपका स्टेट लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो इसी के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी पे ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया गया है, मतलब NCPCR के जो दिशा निर्देश है उन पे और ज्यादा अच्छे से काम करने की बात कही गई है, ठीक। तो इसको जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या जो 2021 की गाइडलाइंस है। तो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश तैयार किए हैं, ठीक है। क्या क्या दिशा निर्देश है? तो ये दिशा निर्देश सुरक्षा उपायों, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों, नुकसान या दुराचार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रक्रियाओं जैसे प्रमुख मुद्दों पर जोर देती है। मतलब कोई भी घटना होती है तो स्कूल में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने वहां पे कर्मचारी काम करते हैं, टीचर्स हैं ना, पेरेंट्स भी हैं, तो क्योंकि पेरेंट्स घर में बच्चों की देख रेख पेरेंट्स के अंडर में ही रहती है, तो उन सबको ही उनकी सुरक्षा पे ध्यान देने की आवश्यकता है, उसी की गाइडलाइन जिसमें दी गई है, ठीक है। वे निजी संस्थानों सहित सभी स्कूलों में लागू होगी, और ये जितने भी स्कूल है आपके, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, एडेड है, कोई भी किसी भी प्रकार के स्कूल है, सारे में ही ये गाइडलाइंस लागू होने की बात की गई है, ठीक है। और इसके ये जो दिशा निर्देश है इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये बनाए गए हैं? क्योंकि आप अपने आसपास भी देखेंगे या न्यूज में हर तीसरे चौथे दिन ऐसी खबरें आ जाती है कि कहीं पे बच्चों के साथ ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कहीं कुछ स्कूल में हो रहा है, शिक्षक के द्वारा कुछ हो रहा है, ठीक है, और या फिर बच्चे रास्ते में जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उन सबको ध्यान में रख के ये गाइडलाइंस बनाई गई है, उस पे स्ट्रिक्टली बहुत गंभीर रूप से काम करने की बात कही गई है। स्कूलों में सुरक्षित वातावरण बनाना, स्कूल वातावरण बनाने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन सहित सभी हितधारकों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब स्कूल से रिलेटेड जितने भी लोग आते हैं, या केवल टीचर की जिम्मेदारी तो है ही, इसके साथ ही स्टूडेंट जो है, जैसे सीनियर जूनियर होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, बच्चों को भी सिखाया जाए कि आप सही है गलत है या वो
कोई चीज ऐसी होती है तो कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे, क्या किसको बताएंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे बताते नहीं है ना। तो इसपे सब लोग मिलके एक सही दृष्टिकोण से काम करेंगे, जिससे कि स्कूल का जो वातावरण है उसको सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, इसी के साथ मौजूदा कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता, तो जितने भी इन सब से रिलेटेड कानून है, लॉज है, ठीक है, पॉलिसीज है, तो ये सब पता होना चाहिए। और पता कब होंगे, मेनली है कि पेरेंट्स को पता हो, बच्चों को पता हो, क्योंकि टीचर्स ही उनको बताएंगे, पेरेंट्स बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अन्य लोग स्कूल्स में काम करते हैं या किसी भी प्रकार से उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी इनकी जानकारी देना। ठीक है, सभी हितधारकों को बाल सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों से अवगत कराया जाना चाहिए, जैसा कि किशोर न्यायालय मॉडल नियम 2016, शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे स्कूल में जो स्कूल का परफॉर्मा वगैरह होता है, जो सरकार की तरफ से स्कूल में गाइडलाइंस भेजी जाती है, उनमें सब में इन सब चीजों का जिक्र होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि उसको पढ़ते हैं या उस पर ध्यान देते हैं। तो उनको ही ध्यान देने के लिए इसको और फिर से इस पे बात की गई है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें, ऐसी चीजें हो रही हैं स्कूल्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जीरो टॉलरेंस नीति। एक इसके बारे में भी मैंने एक और क्लास पिछले साल बनाई हुई थी कि जीरो टॉलरेंस नीति आखिर क्या है। ठीक है, किसी भी लापरवाही या कदाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की जानी चाहिए, जिससे अपराधियों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, मतलब कि ऐसी सब घटनाओं को बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी को भी चीज पता चलती है तो इसीलिए ये गाइडलाइन सबको पता होनी जरूरी है, कि कहीं भी आपको ऐसी चीजें दिखती हैं अपने आसपास, अपने घर में, या फिर अपने जो जैसे आपके घर में बच्चे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, कोई चीज आपसे कहते हैं, तो आपको जब चीजें अच्छे से पॉलिसी और सारी गाइडलाइंस पता होंगी, तब आप उस पे उस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई गई है। इसी के साथ और भी इसमें देख लेते हैं कि ट्राई डायमेंशनल अप्रोच का मतलब क्या हो गया। त्रिआयामी बाल सुरक्षा के लिए जवाबदेही, बाल सुरक्षा के लिए जवाबदेही किसकी बनती है? सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाचार्य है, शिक्षक है, शिक्षा प्रशासन बाल सुरक्षा के लिए जवाबदेह है। ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर से, ये सब जवाबदेही बनती है अगर बच्चे की सेफ्टी पे कोई भी बात आती है। ज्यादातर ये घटनाएं आपको रेजिडेंशियल स्कूल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो मेन रोल हो जाता है प्रिंसिपल का, टीचर्स का, सबसे ज्यादा टीचर ही बच्चों से कनेक्ट रहते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूल में जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और शिक्षकों की है। ठीक, इसीलिए जैसे कि नवोदय विद्यालय हो गए और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो गए, कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न है इनका सारा कुछ। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट चीज अगर रखी जाती है तो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी ही रखी जाती है। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई भी हॉस्टल बोर्ड की तैयारी कर रहा था तो उसको पता होगा कि उसमें सारी चीजें ही यही थी कि आपको ये सब चीजों के बारे में पता हो, इसीलिए अलग से हॉस्टल बोर्ड रखा जाता है, क्योंकि टीचर क्लास में रहता है, उसके बाद 24 घंटे टीचर नहीं रह सकता है, इसलिए हॉस्टल बोर्डर की पोस्ट रखी जाती है कि 24 घंटे वो रहेगा, बच्चों पे निगरानी रखेगा, कोई चीज गलत उसके साथ ना हो पाए। ठीक है, इसके बाद है संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण। इसी के साथ टीचर, प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट है, उन सबकी जिम्मेदारी तो है ही, इसी के साथ साथ एक जो स्कूल का पूरा दृष्टिकोण है वो भी इन सब चीजों पे काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये दिशा निर्देश शिक्षा में सुरक्षा और सुरक्षा पहलुओं की एकीकृत करके बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करके संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पर ध्यान देता है। ठीक है, मतलब बच्चों के साथ अगर जैसे ऐसी कोई भी घटना घटती है तो कहीं ना उनकी हेल्थ पे, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, हर तरीके से उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो ये पूरा अच्छा सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि ये सब दुर्घटनाओं से पीछा छुटा छुटकारा
छूट पाए। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है कि ये पूरा एक खुद में ही सबकी ही जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि आपको गाइडलाइंस पता है नहीं पता है ना, तो ये सब चीजों के बारे में नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए। कि मान लो अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके घर में बच्चे हैं, आसपास हैं, भाई बहन के बच्चे हैं, तो ये सब चीजें आपको भी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, बहु क्षेत्रीय चिंताएं, दिशा निर्देश, स्वास्थ्य स्वच्छता से संबंधित प्रोटोकॉल के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसी शिक्षा से परे मंत्रालय और विभागों से इनपुट और सिफारिशें शामिल करते हैं। अब बहु क्षेत्रीय चिंताएं का क्या मतलब हो गया कि जो भी जैसे लोकल एरिया में कह सकते हैं विभाग होते हैं या मंत्रालय होते हैं जो इन पे काम करते हैं, तो उनकी भी ये चिंता का एक विषय बनता है और वो भी इस पे काम भी करते हैं और इसको और अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या क्या है। शिक्षकों और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण, सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने उन्मुख करने और शिक्षकों, स्कूली प्रमुखों, अभिभावकों और छात्रों की क्षमता निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले है कि बच्चों को भी सारी चीजें स्कूल में टीचर्स के द्वारा बताई जाए, पेरेंट्स के द्वारा बताई जाए। ठीक है, स्कूल हेड होते हैं जैसे छोटे छोटे जो इन सब पे प्रोग्राम भी बनते हैं। आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की आई है उसमें भी ये सब की बात कही गई है। ठीक है, तो उनके द्वारा बच्चों को इन सब चीजों से अवगत कराया जाए। ठीक है, ताकि कुछ भी उनको लगता है या कुछ भी इनसिक्योरिटी लगती है तो वो तुरंत आके टीचर को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, स्कूल में जो हेड है उनको बताएं। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचेगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए निष्ठा कार्यक्रम में कोविड की शैक्षिक प्रतिक्रिया पर एक विशेष मॉड्यूल शामिल किया गया था। ठीक, तो प्राइमरी शिक्षा में एक निष्ठा प्रोग्राम भी चलाया गया था जिसमें इन सब चीजों के बारे में काफी गंभीरता से बात की गई थी। अब निष्ठा क्या है इसके बारे में भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिन लोगों को जानना है तो देख सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली यूट्यूब पे डालेंगे निष्ठा बाय लर्निंग टुगेदर, तो ये आपको क्लास देखने को मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं इसके नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप इसके बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। इसी के साथ और देखें, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन शिक्षा, आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का काफी क्रेज चल रहा है तो साइबर सुरक्षा इन सब चीजों के बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। जैसे दिशा निर्देश, बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपायों पर अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो ये टीचर्स और बच्चों दोनों को ही पता हो। ठीक है, कि बच्चे, अब टीचर को पता होगी तभी बच्चे को भी चीजें पता हो पाएंगी कि कोई भी साइड या कोई भी चीज ऐसे ना ओपन करे, जो जरूरी है उसका एक ऑथेंटिक हर चीज के एक रूल होता है उसी हिसाब से काम करें। ठीक है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से ऑनलाइन और साइबर क्राइम भी आप काफी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे इसका टारगेट बनते हैं क्योंकि बच्चों को इतनी अवेयरनेस होती नहीं, इसलिए वो जल्दी इस चीज में आ जाते हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा नीतियों का अनुपालन, ये दिशा निर्देश भौतिक बुनियादी ढांचे और आपदा तैयारियों से संबंधित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 के अनुरूप है। ठीक, जो 2021 में ये गाइडलाइंस आए थे वो पहले भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश में उनकी बात की गई थी कि आवासीय स्कूलों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हैं। ठीक है, इसके साथ न्यू शिक्षा, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें क्या बात की गई, सभी स्कूलों के लिए राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, जिसको क्या बोलते हैं SSSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना करके कुछ पेशेवर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना अनिवार्य है। नीति आवासीय छात्रावासों में छात्रों को, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में SSSA की बात की गई है,
जो इन सब चीजों पे फोकस करती है, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा पे उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ पे देखो आपको बार बार दिख रहा होगा आवासीय छात्रावास, क्योंकि बच्चे 24 घंटे वहां रहते हैं तो ज्यादा संभावना होती है इन सब चीजों की। ठीक है, इसके बाद है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का अनुपालन, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के तहत राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए बात किया जाता है कि बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा से बचाया जाए। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं चाइल्ड राइट्स के ऊपर, उनपे भी ये बात की जाती है, सारे लोग मिलके बात करते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को इन सब चीजों से बचाया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। इसका SDG गोल जो है, गोल नंबर 4, उसमें कैसे इस पे फोकस किया गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। SDG 4, अब जिनको SDG के गोल नहीं पता है तो टोटल ये 17 SDG गोल है, इसकी अलग से एक क्लास आप बनी हुई है, वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में ध्यान केंद्रित करता है। अब शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि सही शिक्षा का मिलना भी वो एक अलग ही टाइप का सेटिस्फेक्शन होता है, कि अगर आपको सही शिक्षा मिल रही है तो आपको सारी चीजें सही से पता होगी, इसीलिए गुणवत्तापूर्ण की बात यहाँ पे कहेगी। ठीक है, तो समावेशी मतलब इंक्लूसिव, सबको एक ही धारा में लाके उस सब चीजों पे बात की जाए, जिससे सब एक दूसरे की चीजों को समझे। ठीक है, और अच्छी तरीके समझे, ऐसा नहीं कि गलत तरीके से चीजों को समझे। तो यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। इसके बाद आपका एक गोल नंबर 16 है, यहाँ पे बोला गया इसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ हिंसा को कम करना, शोषण, तस्करी और दुर्व्यवहार को समाप्त करना, और शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे कि बच्चों से रिलेटेड कितनी सारी चीजें आती हैं, हिंसा जैसे मामले आते हैं या फिर शोषण जैसे मामले आते हैं। ठीक है, तस्करी, उनको उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार, ये सारी चीजें, तो इन पे कैसे काम किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए, और समाज में इसके लिए कितनी अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उन सब पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद कहाँ कहाँ पे बहुत अच्छे से ये सब चीजों का एक अनुपालन होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे नागालैंड की, स्कूल परामर्श में 9 महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया, छात्रों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण में सुधार के प्राथमिक लक्ष्य के साथ 2018 से स्कूल परामर्श सिद्धांतों प्रथाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक अलग से स्पेशल इसी चीज के लिए कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैसे बनाए रखा जाए, उस पर पूरा एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, और शिक्षकों को भी उसमें प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को उस चीज के लिए अवेयर कर पाएंगे। बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संगठन, इसके बाद बच्चों के कल्याण के लिए जो NGOs वगैरह चलते हैं उनकी भी बात करें, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन है एक, 1980 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा शुरू किए गए भारत के सबसे बड़े जमीनी स्तर पर तस्करी विरोधी आंदोलन का उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचाने का था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, उसका 1980 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इन्होंने काम किया था बहुत ही जमीनी स्तर पर बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए। इसके बाद है एक क्राई, क्राई का फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड राइट्स एंड यू। ठीक, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच सुनिश्चित करने, बच्चों को हिंसा दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने पर केंद्रित है। ये सारे NGOs हैं जो इन सब पे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक है प्रथम, प्रथम क्या है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्थापित एक अभिनव शिक्षा संगठन है। ठीक है, इसके बाद है नन्ही कली, ये सारे NGOs हैं जो चलते हैं, कक्षा यहाँ पे है कि जो क्लास 1 से शुरू, क्लास 1 से 8 तक जो वंचित लड़कियां, यहाँ पे आप इंग्लिश में दे सकते हैं, कुछ हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रोवाइड्स 360 डिग्री सपोर्ट टू अनप्रिविलेज्ड
गर्ल फ्रॉम ग्रेट 1 to 10, ठीक, जो अनप्रिविलेज गर्ल है, वंचित लड़कियां हैं जो शिक्षा से, कितनी, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, ठीक है, उनको 360 डिग्री सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हर तरीके से उनका सपोर्ट करना, हर एक उनको मतलब पैसे से सपोर्ट करना है ना, और शिक्षा उनको देना या खान पीन की व्यवस्था, हर तरीके से जिस प्रकार भी सपोर्ट बनता है, 360 डिग्री का मतलब ही होता है कि हर प्रकार से सपोर्ट करना, कितनी नन्ही के लिए यहाँ पे मेल लड़कियों की बात की गई, जो वंचित लड़कियां अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स होती हैं, उनकी क्लास 1 से 10 तक अगर है तो, और ये किस लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा को गरिमा के साथ पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है, मतलब कि वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर पाए, ठीक है, इस सब पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए उनको हर तरीके से उनका सपोर्ट किया जाता है, हर लेवल पे, किसी भी प्रकार की उनको कोई जरूरत है शिक्षा से संबंधित, जो उनकी शिक्षा में बाधा अगर कोई चीज बन रही है, नहीं कर पा रहे, घर से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे इस चीज का सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में एनसीपीसीआर की क्या भूमिका है, तो यहाँ पे एनसीपीसीआर के बारे में देख लेते हैं, तो पर्यवेक्षण जिम्मेदारियां, जो सुपरविजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनसीपीसीआर और राज्य बाल अधिकार संरक्षण, एनसीपीसीआर एक नेशनल लेवल पे होता है, एससीपीसीआर होता है आपका स्टेट लेवल पे, स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश को लागू करने के कानूनी पहलुओं के देखने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो बच्चों से रिलेटेड जो मतलब चाइल्ड राइट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, लीगल एस्पेक्ट्स, वो इन सबकी जिम्मेदारी किस पे होती है, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर पे। इसके बाद ई बाल निदान, एनसीपीसीआर ने बाल अधिकारों के उल्लंघन और वंचन से संबंधित शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ई बाल निदान की स्थापना की है, ठीक, तो ई बाल निदान इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये पूछा जा सकता है किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा किस वजह से किया गया है, और मेन इसकी स्थापना किसने की है, एनसीपीसीआर ने, तो मतलब कोई भी बच्चों से जो रिलेटेड चीज कोई शिकायत है, समस्या है, तो वहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अंदर पोस्को ई बॉक्स, तो पोस्को एक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसकी भी अलग से क्लास है, वहां देख सकते हैं। एनसीपीसीआर ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की आसान और सीधी रिपोर्टिंग के लिए पोस्को ई बॉक्स पेश किया है, जिसे उसको अधिनियम 2012 के तहत अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है, तो ये इस पे भी इन्होंने एक ई बॉक्स बनाया है, जिसपे यौन अपराध से संबंधित कोई भी चीज है तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा अधिकार आरटी 2009, तो आरटी अधिनियम धारा 31 और 32, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को बाल अधिकारों के अन्य पहलुओं के साथ साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपती है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो आर्टिकल है, ये धारा है 31 हो गया, 32 हो गया, ये आपको पता होना चाहिए आरटी की कौन सी धारा है जो एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर बाल अधिकारों पे जोर देती है, उसके साथ साथ उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पे भी ये काम करती है, ठीक है। इसके बाद है सीपीसीआर अधिनियम 2005, सीपीसीआर अधिनियम धारा 13(1) के तहत एनसीपीसीआर और सीपीसीआर को बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने और बाल संरक्षण कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का काम सौंपा गया है, ठीक, मतलब तो ये जो अधिनियम बनाया गया है सीपीसीआर अधिनियम, ठीक, इसमें क्या है कि एनसीपीसीआर सीपीसीआर में जो बाल अधिकारों के उल्लंघन की कोई शिकायत या जांच आती है उसकी निगरानी ये करती है। इसके बाद है स्वतः संज्ञान कार्रवाई, तो ये क्या है इसको भी देख लेते हैं, इसको बोलते हैं सुई मोटो एक्शन, एनसीपीसीआर एससीपीसीआर बाल अधिकारों के उल्लंघन या वंचन से जुड़े मामलों को स्वतः संज्ञान ले सकता है, मतलब ये क्या है कि अगर कहीं पे भी इन सब चीजों की सुनवाई नहीं हो रही है तो ये सुमेटो भी इस चीज को अपने संज्ञान में ले सकता है, इस पे कार्य कर सकता है, ठीक, ये सारी लीगल कह सकते हैं कि चीजें हैं,
जो बच्चों से रिलेटेड अपराध है, यौन अपराध है, उनसे जुड़े मामलों पे कार्रवाई करता है। इसके बाद किशोर न्याय अधिनियम 2015, तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 109 NCPCR और SCPCR को बाल संरक्षण के लिए अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो आपको इसे सबसे पता चल रहा होगा कि जितने भी ये चीजें बनाई गई हैं, ठीक है, NCPCR की क्या क्या भूमिका है, इन्होंने कैसे कैसे चीजें बनाई हैं कि बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर किस प्रकार से तुरंत एक्शन लिया जाए, इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई है कि कहीं भी आप शिकायत करके या कैसे उस चीज पे तुरंत काम किया जाएगा, और ये पूरे देश की ही जिम्मेदारी बनती है, इस चीज पे काफी फोकस किया गया है, ठीक है। इसके बाद और भी देख लेंगे, NCPCR दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन, स्कूलों को बाल सुरक्षा पे NCPCR मैनुअल का सख्ती से पालन करना चाहिए और अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल में कमियों की पहचान करनी चाहिए, उन्हें दूर करनी चाहिए। मतलब NCPCR के जो भी दिशा निर्देश है, बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लेके जो भी NCPCR के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं स्कूल को, उनपे बहुत ही सख्ती से काम किया जाए, अदरवाइज आप उस पे भी एक्शन लिया जा सकता है अगर कोई ऐसी चीज देखने को मिलती है, और कोई भी अगर कमी है तो उसको दूर भी किया जाए, ठीक है। सुरक्षा योजनाएं, प्रत्येक स्कूल को अपने स्कूल विकास योजना SDP के प्रमुख घटक के रूप में सुरक्षा स्कूल सुरक्षा योजना शामिल करनी चाहिए। मतलब जितने भी स्कूल है सब अलग अलग अपने स्कूल डेवलपमेंट प्लान बताएंगे कि कैसे सब चीजों से बचा जा सकता है। इसके बाद बाल सुरक्षा मुद्दों पर शिक्षक प्रशिक्षण, अब शिक्षक का जो प्रशिक्षण होता है बाल सुरक्षा के मुद्दों पे, शिक्षकों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 सहित विभिन्न सुरक्षा मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और अपराधों की रिपोर्ट करने में उनकी जिम्मेदारी के बारे में पता करने चाहिए, ठीक है। मतलब शिक्षकों को प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाता है कि उनको ये सब के बारे में पता हो और कोई भी चीज होती है तुरंत उस पर एक्शन ले। स्कूल को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 19 के तहत बाल यौन शोषण किसी भी अपराध या संदेह की रिपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। कौन सी धारा के तहत? 19 धारा के तहत। इसके बाद एंटी बुलिंग कमेटी, स्कूलों को अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने, रैगिंग विरोधी कारकों को लागू करने और नियमित रूप से उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा करने सॉरी उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा करने के लिए समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब स्कूल्स में ये कमेटी बनी होनी चाहिए, एंटी बुलिंग कमेटी है, एंटी रैगिंग कमेटी है, जिससे कि बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। इसके बाद है स्कूल सुरक्षा सप्ताह, स्कूलों को सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में स्कूल सुरक्षा सप्ताह का पालन करना चाहिए। एक प्रोग्राम टाइप का ही चलाया जाता है स्कूल्स में, जिसमें इन सब मुद्दों पे बात होती है, ठीक है, और स्कूल को इस शैक्षणिक सत्र के दौरान ही और इसका पालन भी करना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो वो अवेयर भी रह सके। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बच्चों के प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए आर्टिकल्स भी बहुत सारे बनाए गए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 14 है, जो क्या है, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसके बाद आर्टिकल 53 फंडामेंटल राइट फॉर स्पेशल प्रोविजंस के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 21 आपसे काफी पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। 21A में क्या आता है कि जो बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे ये तो नॉर्मल बच्चे हो गए 6 से 14 साल, अगर डिसेबल्ड बच्चे की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, डिसेबल, अगर उनका पूछा जाए कि उनके लिए कितने उम्र रखी गई है, जैसे नॉर्मल के लिए रखी गई है 6 से 14, डिसेबल्ड चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए रखी गई है 6 से 18 साल, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और आर्टिकल यही है, ठीक है। तो ये पॉइंट
आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 23 एंड 24 की अगर बात करें तो करना वाले राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके अगेंस्ट ये राइट है 23 और 24। इसके बाद है आर्टिकल 39E, राइट टू हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 39F की बात करेंगे, राइट टू डिग्निफाइड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल ऑफ मटेरियल निग्लेक्ट, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 46, राइट टू स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशनल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन केयर प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस पे बात करता है, ठीक है। मेन ये वीकर सेक्शन आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, वीकर सेक्शन। इसके बाद 47 है जो आपका राइट टू न्यूट्रिशन, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर पब्लिक हेल्थ, मतलब न्यूट्रिशन ये खाने पीने की जो चीजें होती है बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना करवाना, उनको अच्छी लाइफ देना, ठीक है, उनकी हेल्थ पे अच्छे से काम करना। इसके बाद आर्टिकल 51A के, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स ऑफ गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा आर्टिकल है? 51A और सब आर्टिकल है के, ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाती है बच्चों को। तो ये बच्चों से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये था आपका कि बच्चों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, और ये मामला क्यों इस समय इतना ज्यादा बड़ा हुआ है इसका भी आपको पहले ही बताया जा चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र में बादलपुर में दो स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बाद इस पे और ज्यादा एकदम से सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। वैसे भी NCPCR बाल अधिकार संरक्षण बच्चों से रिलेटेड जो भी अपराध है उनको रोकने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं आती हैं, तो हाल फिलहाल जो घटना आई है उसके लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। करंट का ये हो गया, बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी NGO थे वो आपको बताई गई है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे जो छोटे छोटे टर्म आए, निष्ठा आया है, NCPCR है, SCPCR, ठीक है, और भी जैसे पोक्सो एक्ट आया है, तो ये सब की अलग से क्लासेस बनी हुई है, आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में वहां पे सारी चीजें बताई गई है। तो ये आज आपकी क्लास थी, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और एजुकेशन करंट अफेयर जितना भी है उसको मैं जितने भी चीजें हैं उनको लाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कोई टॉपिक रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको भी करवा दिया जाएगा। और ज्यादा शेयर करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।